नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जुलाई 1951 पाकिस्तान एंड फ्रांस टाइड फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 में पूछा जा, जा चुका है कि 1951 में पाकिस्तान और फ्रांस में क्या चीज की टाइड हुई थी तो इसका राइट right आंसर है टू ओपन इट्स एम्बेसीज के दोनों कंट्रीज जो हैं आपस में पाकिस्तान जो है अपनी एम्बेसी फ्रांस में कायम कर सकता है और फ्रांस जो है अपनी एम्बेसी को पाकिस्तान में स्टैब्लिश कर सकता है इसका पर्पज ये होता है कि जो फॉरन रिलेशन है उनको किया जाए और 1951 से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इसका यही है कि फर्स्ट वाज हेल्ड इन पाकिस्तान जो पहले सेंसिस थे ये भी पाकिस्तान में 1951 में ही डेवलप हुए थे और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया Was in. जो है, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान ये भी डिवेल हुई थी और जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम वाइम किस तरह राइट आंसर भी है, 1951. है 1951. और जो लिया अली खान है इनको भी असैसीनेट किया गया था नाइनटीन फिफ्टी वन में इसकी डेट है सोलह अक्टूबर फिफ्टी वन और जो चौधरी रहमत अली आर्किटेक्चर ऑफ पाकिस्तान ये भी डाइड हुए थे 1951 इनके एग्जैक्ट डेट है फ़रवरी 1951 ये कैम्ब्रिज इंग्लैंड में और इससे ठीक नेक्स्ट ईयर यानी कि 1952 में डिस्कवरी ऑफ सुई गैस और नेक्स्ट ईयर यानी कि जो 1952 बनता है इसमें सुई गैस की डिस्कवरी हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन वो लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब कि जो अनडिवाइडेड पंजाब था उसका लास्ट गवर्नर कौन था अनडिवाइड पंजाब से मतलब यह है कि ईस्ट और वेस्ट पंजाब ईस्ट पंजाब जो है ये इंडिया की तरफ है और जो वेस्ट पंजाब है ये पाकिस्तान की तरफ है 1947 के बाद तो उस वक्त जो लास्ट गवर्नर थे उनका नाम था सर एवन जेंकि नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीडे साइंस रिलेटेड अबाल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इसके ऑप्शन थे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड या 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकली या नन ऑफ दीज इसका राइट right आंसर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड कि जैसे ही बॉल को वर्टिकली हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे ऊपर की तरफ फेंकेंगे इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज वर्ड इट्स अपोजिट डायरेक्शन इसका राइट आंसर बनेगा नाइन मीटर पर सेकंड स्केयर डाउनवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग सिस्टम इज कॉल्ड राइटिंग सिस्टम की जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है इसका राइट right आंसर है पेलियोग्राफी नेक्स्ट क्वेश्चन एथिक डील विद एथिकल एक्शन इज टर्म्ड एज इसका राइट right आंसर है नॉर्मेटिव एथिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन कि इस वक्त मौजूदा यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर हैं इसका राइट आंसर है ट्वेंटी सेवन जो यूरोपियन यूनियन है ये बनी है फर्स्ट नीदरलैंड में उसका हेड क्वार्टर जो है बेल्जियम हेड क्वार्टर तो सबको याद है लेकिन यह बात भी याद रखिएगा कि यह बनी कहां पर थी मास्ट्रिच नीदरलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन पाकिस्तान इज डैश लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर एंड एट लार्जेस्ट कंज्यूमर इन वर्ल्ड कि पाकिस्तान जो है ये एट लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर इस्तेमाल करने के लिहाज से और इसकी प्रोडक्शन के लिहाज से किस नंबर में है इसका राइट right आंसर है फिफ्थ इसके दोनों बातें याद रखिएगा कि प्रोडक्शन के लिहाज से फिफ्थ नंबर पे है और कंज्यूमर के लिहाज से एट नंबर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज नैर स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड इसके ऑप्शन थे बासफोरस स्ट्रेट ऑफ टॉर्चर पार्क स्ट्रेट या नन ऑफ दीज इसका right है, very, very question. ये question भी जो स्ट्रेट ऑफ टार्चर है ये है जपान सी एंड ओकोस्टिक सी इसकी जो लोकेशन है रशिया ईस्ट रशिया साकलीन आइसलैंड और जो बास्फोरस्ट स्ट्रेट है ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा और जो पालक स्ट्रेट है ये कनेक्ट करता है पाल्क बे एंड बे ऑफ बंगाल और जो पालक स्ट्रेट है इसकी लोकेशन है इंडिया और श्रीलंका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज फील्ड अ केस अगेंस्ट मायनामार इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि किस कंट्री ने आईसीजी में मायनामार के खिलाफ केस को दायर किया है इसका राइट आंसर है गैम्बिया गैम्बिया का कैपिटल है बंजोल और केस ये था कि जो रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म किया गया म्यांमार की तरफ से उसके खिलाफ जिस कंट्री ने आवाज उठाई है वो है फॉलोइंग इज नॉट रिवर ऑफ बलोचिस्तान कि इन ऑप्शन में से कौन सा रिवर बलोच, बलोचिस्तान में नहीं है इसका राइट आंसर है घिजर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अपनी कीमती राय से कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा किसी भी पेपर की प्रिपेशन के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पसंद आया होगा तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज